हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि घर की यूनिट किस तरह निकालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट किस तरह निकालते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको, जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रहती है वो रहती है KWH में। KWH बोले तो किलोवाट पर हावर, ठीक है, मतलब एक घंटे में कितने किलोवाट बिजली जलेंगी वो उतना उसका यूनिट बनेगा दोस्तों। तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास किलोवाट हावर, हावर तो अपने पास है, किलोवाट निकालना है। तो किलोवाट पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हावर पे पहुंचते दोस्तों। तो KWH किस तरह निकालेंगे, यूनिट किस तरह बनाएंगे वो अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए समझते अपन, जैसे अपना जैसे कोई लोड है दोस्तों, मान लो हमारा फैन है, फैन 60 वाट का है, उसके ऊपर लिखा रहता है दोस्तों, टीवी के ऊपर लिखा रहता है, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है। जैसे बल्ब रहता है हमारा 60 वाट का बल्ब है, टीवी मान लो कि हमारी है 100 वाट की है, ऐसा कर करके मान लो पूरा 1000 वाट का है, 1000 वाट का है पूरा। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए 1000 एग्जिट डिजिट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको इजी समझ में आए, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। मान लो 1000 वाट का है, तो हमें किलो वाट चाहिए। यूनिट किस में निकलती है दोस्तों? यूनिट निकलती है KWH में, KWH में यूनिट निकलती है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? किलो वाट चाहिए। हावर तो हम लिख देंगे कितने घंटे चला जो भी है। अभी मान लो हमारा पूरा लोड है, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ऐसा कुल मिला के ये पूरा 1000 का लोड है दोस्तों। तो 1000 मान लो हमारा 8 घंटे तक चलता है, 8 घंटे तक हम ये चारों चीजें चला रहे हैं, जिसका 1000 वाट उसका लोड है, 8 घंटे तक चला दोस्तों। तो ये अपना सबसे पहले 1000 वाट है, 1000 वाट को किलोवाट में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे दोस्तों? ये किलो, किलो मतलब 1000, जैसे अपन बोलते हैं किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, उसी तरह के फॉर 1000 के लिए रहता है दोस्तों। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो 1000 वाट बोले तो 1 किलोवाट, तो हमारा है दोस्तों 1 किलोवाट। ओके, 1 किलोवाट हमारा लोड है। अब वह 8 घंटे तक चला, 8 घंटे तक चला दोस्तों, ये 8 घंटे तक अगर चला, 1 किलोवाट भी लिख दिया, किलोवाट हावर है ना, यूनिट निकालना है अपने को, किलोवाट का वैल्यू लिख दिया हमने, 1 किलोवाट है ना, हावर कितना है? 8। तो 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट है, हावर 8 है, तो कितना होगा दोस्तों? 8। तो अपनी यूनिट बन गई, 8 यूनिट हो गई दोस्तों, 8 यूनिट हो गई। और मान लो 8 रुपये यूनिट के हिसाब से, रुपीज पर यूनिट कितना है दोस्तों? 8 रुपये पर यूनिट है, पर KWH, KWH को यूनिट बोलते हैं। तो कितना हुआ? 64, 8 × 8, 8 यूनिट बन गए हमारी, और 8 रुपए रेट के हिसाब से कितना हुआ? तो 64 रुपीज का होगा दोस्तों हमारा, 64 रुपीज होंगे हमारे बिजली का बिल, 64 रुपीज आएगा। सिंपल वे है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। वाट तो हर जगह पे लिखा रहता है, कितने वाट का फ्रिज है भाई, कितने वाट की टीवी है, कितने वाट का बल्ब है, वो दोस्तों बस वो वाट को 1000 में निकालना है, किलोवाट में निकालना है दोस्तों, और बस हो गया काम। और एक उदाहरण देता हूँ, मतलब अभी थोड़ा तबसर लेता हूं। जैसे हमारा पूरा मिला के टीवी है 200 वाट की, ओके, फैन है हमारा 60 वाट का पकड़ के चलते, और बल्ब है 23 वाट का, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा ये? मान लो तीनों चीजें चलती है हमारी, सिर्फ 2 घंटे तक जल रही है, ये 2 घंटे तक अगर इनको चलाएंगे तो कितनी यूनिट बनेगी? तब ये है 200 वाट का, ये है 60 वाट का, ये है 23 वाट का, कितना हो गया? तो उनको 3283 वाट हो गए, 283 वाट, 283 वाट। अब इनको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे
किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इसमें गुना कर दो दोस्तों, 1000 का डिवाइड कर दो सर, सॉरी 1000 का डिवाइड कर दो, तो 283 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 के हिसाब कितना हो जाएगा, ये 0.283 है ना, किलोवाट में चेंज करना है ना अपने को, ये वाट में है किलोवाट में करना है, समझो ये ग्राम है 283 ग्राम, इसको 1 किलो में चेंज करना है तो कैसे करोगे, तो इस तरह करोगे। तो ये हो आपका 283 किलोवाट, अब 2 घंटे तक चलता है, तो ये 0.283 2 घंटे तक चलता है दोस्तों, तो अपने बिजली बिजली निकालना, दो इनका मल्टीपुट कर दो इसका इंटू कर दो, 3 दूना 6 है ना, 8 दूना 16 80, ये 5 इतना आ गया, 566 यूनिट बन गई दोस्तों हमारी, 0.566 यूनिट, मतलब पूरी यूनिट नहीं बनी है, आधी यूनिट बनी है कम से कम, ये 500 पकड़ के चलो, मतलब 0.5 लगभग यूनिट बनी, मतलब आधी यूनिट बन गई हमारी, यूनिट बोले तो KWH है ना, इतनी यूनिट बन गई दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम बिजली बिल का कई भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, कौन सा लोड कितना चला क्या है, तो अपने हिसाब से घर पे निकाल सकते हैं दोस्तों हम, सिंपल फंडा है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, थैंक यू।